नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार बदलती सियासी स्थितियां, उत्तर प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरण और इसके साथ ही साथ कई राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जो सर्वे हैं वो क्या कह रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि जो चुनावी सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल है निकल कर सामने आ रहे हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी के लिए फायदेमंद है, किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता दिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार चुनाव है कहां कहां पर। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, और ये देखा जा रहा है कि इन जगहों पर, इन राज्यों में कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। एक और जहां प्रियंका गांधी की नजर उत्तर प्रदेश पर बनी है तो उत्तराखंड पर भी बनी है। हालांकि गोवा और पंजाब में भी प्रियंका गांधी की नजर बनी है। तो प्रियंका गांधी बहुत सोच समझ कर जो है चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान कर रही है। और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में लगातार जो बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, पार्टी के नेता जिस तरह से जो है पार्टी के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, जनता के लिए ऐलान करते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई तस्वीर तो बदलना तय है। और जो तस्वीर बदल रही है इसे देखकर ही सत्ता पक्ष होश उड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय के जो हालात हैं, मौजूदा समय की जो सियासी स्थितियां हैं, वो ये बताती हैं कि फिलहाल प्रियंका गांधी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, अब वो देश में दिखती नजर आ रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी जो ऐलान कर रही हैं, जिस तरह जनता के साथ जुड़ रही है, इसे देखकर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मेहनत है वो सफल होनी शुरू हो चुकी है। मौजूदा समय में प्रियंका गांधी के आने से जिस तरह बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय में जिस तरह से प्रियंका गांधी के आने से चीज़ें बदलती नजर आ रही, तो जाहिर सी बात है ना कहीं प्रियंका गांधी की लोकप्रियता आज बढ़ी है। जैसे कि हम चुनावी सर्वे की बात कर रहे थे, ओपिनियन पोल की बात कर रहे थे, क्या कहते हैं चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल, तो चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर इसी तरह मेहनत करती रहेंगी और प्रियंका गांधी की तरफ से जो ऐलान हो रहे वो ऐलान इसी तरह होते रहेंगे तो इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, यानी कि 100% फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक और जहां कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए बड़े ऐलान कर रही है, एक और जहां कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है ना कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं, कि किस तरह से मौजूदा समय की चीज़ें बदल रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय के बदलते हालात, मौजूदा समय की बदलती स्थितियाँ ये इशारा करती हैं कि फिलहाल कांग्रेस जो है वो बड़े अंतर से काम करती नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस जो है वो बड़े अंतर से जो है चुनाव को चुनाव में काम करती नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर रही है। प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई बड़े जो है ऐलान कर जनता को अपने साथ जोड़ रही है, तो प्रियंका गांधी के ऐलान ही है ना जो ये बताते हैं कि फिलहाल किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। वैसे दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरह से जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है, जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बेहद बड़ा फायदा मिलने वाला है। और पंजाब और गोवा, उत्तराखंड में भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी दिखती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जनता बीजेपी का साथ छोड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, देश में लगातार टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आमदनी कम हो रही है, और गौर करने वाली बात है कि सरकार को जनता से कोई मतलब ही नहीं है। और फिलहाल एक ऐसी पार्टी भी है विपक्ष में जो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, जो जनता के साथ जुड़ती नजर आ रही है। तो तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के हालात हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि वाकई प्रियंका गांधी की लहर अब देश में दिखती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की लहर जो शुरू हो चुकी है, इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। वैसे यहां पर देखा जाए कांग्रेस पार्टी जिस तरह बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है, पार्टी के नेता कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़कर जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि चुनावी सर्वे जो है वो अच्छा रिस्पांस बता रहे हैं। यानी कि कांग्रेस जो है वो 250 प्लस सीटें जीत रही है, यानी कि 250 प्लस सीटें जीतना इसका मतलब है जनता का रुख कांग्रेस की तरफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है। 70 साल राज करके कांग्रेस ने जो बनाया है आज जनता उसको महसूस कर रही है। जनता ये देख रही है ना कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा था, महिलाओं को उनका हक मिल रहा था, जनता को हक मिल रहा था, तमाम तरह से हालात पूरी तरह अच्छे ही
थे। लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, फिलहाल जिस तरह से माहौल बदलता नजर आ रहा है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि वाकई जो बताती हैं कि फिलहाल किस तरह से चीज़ों का बदलना तय है, किस तरह से मौजूदा समय के हालात जो है बदलते नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, बाकी जिस तरह से माहौल बदल रहा है, उसे देखकर तो ये कहा जा रहा है ना कि जनता का झुकाव किस तरफ है, जनता का रुझान किस तरफ है। तो चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार काम शुरू किया जा चुका है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो ऐलान हो रहे हैं, ये ऐलान है जो बताते हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में कमाल कर जाती तो ये समझिए लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से उभर कर सामने आएगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थिति बीते कुछ महीने पहले काफ़ी कमज़ोर थी, पार्टी की स्थिति बेहद जो है कम दिखती नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जनता कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू हो चुकी है, जनता का झुकाव कांग्रेस के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। तो तमाम चीजें हैं ना जो जनता को जोड़ रही है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जनता ये देख रही है कि आज विपक्ष में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, जो जनता के लिए काम करना चाहती है, और इस पार्टी ने देश में 70 साल राज भी किया। तो तमाम तरह की स्थितियां जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तमाम तरह से चीजें बनती नजर आ रही है। हालांकि वैसे मौजूदा समय के जो हालात है वो ये साफ तौर पर बताने शुरू कर दिए गए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। तो कांग्रेस को दोबारा वापसी देख और प्रियंका गांधी की मेहनत को देख सोनिया गांधी खुश दिखती नजर आ रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस की शानदार वापसी होगी तो क्या लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस उभर कर सामने आ पाएगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ बेरोजगारों और युवाओं के लिए काम कर रही है बल्कि महिलाओं के लिए काम करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे ने उत्तर प्रदेश में तो भौकाल मचा रखा है। देश के कई राज्यों से जो है प्रियंका गांधी को महिलाओं का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है, देश की महिलाओं का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि देश की महिलाएं ये कह रही हैं कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में बदलाव होगा। प्रियंका गांधी के हाथों में अगर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, कांग्रेस के हाथ में जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो फिलहाल मौजूदा समय में चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि फिलहाल आने वाले समय में किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, आने वाले समय में माहौल किस तरह से बदल रहा है। खैर, देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में स्थितियां किस तरह से रहती है। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट हैं जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। चुनाव पर नज़र हमारी बनी है, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो लाइव शो के दौरान हमारे साथ जुड़ते हैं, हमसे कई सवाल पूछते हैं, तो कई सवालों के जवाब हम यहाँ पर दर्शकों के देते हैं। तो यही कहा जा रहा है दर्शकों से, जनता से, कि जो पार्टी आपके लिए बात कर रही है, जो राजनीतिक पार्टी आपके साथ जुड़ रही है, आपके हक की आवाज को उठा रही है, उस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़िए, उस नेता के साथ जुड़िए, ताकि बदलाव हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।